तुम लोगों का भाई बहुत सही है, ठीक है? तुमको चीजों को फोड़ना भी है, तुमको साला चैंपियन भी बनना है, और फिर बातें ऐसी पूछते हो। ऑलराइट गाइज एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। तो नेक्स्ट डे है सेकेंड डोज का, और कोई बुखार नहीं आया इस बार, और शरीर भी नहीं दुख रहा, हल्की सी कह सकते हैं, या फिर मान लो ना के बराबर समझो, ऐसा लग रहा था। शायद हो सकता है कि थोड़ा मैं सोच रहा हूँ इस वजह से लग रहा हूँ कि थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन वीकनेस है नहीं। बस एक चीज़ हो रही है कि जहाँ पे ये या इस साइड में मेरे जो लेफ्ट हैंड पे जहाँ पे लगा ना वो डोज इंजेक्शन जो लगा ना, तो वहाँ पे उस स्पॉट पे जहाँ लगा वहीं पे दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टच करते हैं तो भी दर्द हो रहा है। नॉर्मली ये सबके साथ हो ही रहा होगा, काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ तो खैर हो ही रही है, उसके अलावा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और अब ऑलमोस्ट अब होगा भी नहीं, क्योंकि कल का दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई, तो अब तो क्या ही होगा, होना था जो पहले वाले में आ गया मुझे बुखार। मेरे साथ साथ आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई राधिका को भी टीका लगा था, तो राधिका से भी पूछ लेते हैं। वैसे मुझे तो पता ही है, फिर भी पूछते हैं, राधिका कैसा लग रहा है सेकेंड डोज के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब किसी प्रकार का बुखार, बदन दर्द या फिर कमजोरी, वीकनेस कुछ लग रहा है ऐसा? अभी तक तो नहीं लग रहा है। तो अब लगेगा भी नहीं। वैसे इसको फर्स्ट वाले डोज में बुखार नहीं आया था, तो जो प्रोबेबिलिटी थी ना बुखार आने की वो काफी कम हो गई थी। तो फिलहाल वक्त है लंच का, और आज लंच में मैं खा रहा हूँ पराठे, और यहाँ पे मम्मी ने बनाई भिंडी की सब्जी, और ये है आलू, शिमला मिर्च, और भाई साहब बेसन वाली मिर्ची, ये तो भाई एक नंबर होती है। इनमें से किसी की भी रेसिपी उठा लो भाई, मम्मी के चैनल पे मिल जाएगी। और ये जो बेसन वाली मिर्च है ना, ये तो मेरे फेवरेट है, तो इसकी रेसिपी तो बिल्कुल देख के बना ही लेना। अगर मुझे याद रहना तो मैं इसका लिंक दे दूंगा स्पेशली, और साथ में थोड़ा सा दही, उसके ऊपर है जीरा, और ऊपर थोड़ा सा आपको नमक दिख ही रहा होगा। तो चलो फटाफट से लंच कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस, तो आज रामदेव जी की दशम है, तो उसके ऊपर ये मम्मी ने ये वाला चूरमा बनाया है। ये रोट वाला चूरमा है ना मम्मी? तो ये रोट वाला चूरमा बनाया जो कि अभी हम खा रहे हैं, और पूजा तो हमने कर ली है, आपको भी चलो दर्शन तो मैं करा ही देता हूँ। और ये जो मम्मी ने ये वाला जो चूरमा बनाया ना, इसकी रेसिपी मम्मी वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो। लो भाई, जस्ट अभी हमने जोत करी है, तो आप भी दर्शन कर लो। ये देखो जोत अभी भी हो रही है, जोत के भी दर्शन ले लो। क्या भाई मम्मी, कुछ कहना चाहोगे? जय बाबा रामदेव, राम सा पीर की जय हो, सभी को राम सा पीर की, बाबा रामदेव की दशम की शुभकामनाएं। अगर अपने राजस्थान के हो ना, और राजस्थान के नहीं भी हो, तो ये वाली जो चूरमे की रेसिपी है ना, ये ट्राई कर लेना, मतलब अव्वल दर्जा जिसको कहते हैं ना, जस्ट उससे भी थोड़ा कहीं ऊपर जाके ही इसकी जो है ना टेस्ट वगैरह वो है। तो अभी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ना, मम्मी के चैनल प्रमिला कुकबुक पे चले जाना, तो मम्मी का भी वो लेटेस्ट वीडियो ही होगा जो आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा। प्लीज ये एक बार घर पे ट्राई करके देखना, क्योंकि एक तो होता है ना कि भाई मैंने बोल दिया, मेरे बोले हुए पे मत जाओ, इसको बनाओ। भाई इसकी क्रिएटर आ चुकी है मम्मी यहाँ पे। मम्मी ये क्या बना दिया आपने, ये क्या है ये? चूरमा, चूरमा। लेकिन ये बहुत क्लास है, मैंने अभी अभी पिछली वाली क्लिप में लोगों को बोला कि मेरी बात पे मत जाओ, एक बार खुद ट्राई करो, बहुत अव्वल दर्जे की चीज बनी है। और जैसे जैसे मम्मी ने बताया ना, बिल्कुल वैसा बनाना, ऐसा नहीं कि अपने कुछ वो लगा दो आप साइंस, वो मत लगाना, एज इट इज बनाओ, तब मजा आएगा। क्या हमें, क्या भी राधिका कैसा लगा चूरमा? बहुत टेस्टी है। राइट गाइज, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है। एक्चुअली कल ज़्यादा व्लॉग मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस महसूस हो रही थी, और नींद से भी आ रही थी, तो बस इतना ही इफेक्ट हुआ इस बार, कोई बुखार वगैरह तो नहीं हुआ। आज जहाँ पे वो इंजेक्शन लगा था वहाँ पे हल्का फुल्का सा पेन हुआ था, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट अब ना के बराबर हो गया है। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि जब ये लगेगा मेरे को वैक्सीन, उसके मैं एक या दो दिन जिम नहीं जाऊंगा, हल्का फुल्का है लेकिन आज तो जिम जाना ही जाना है। ये दो दिन भी बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आपका जो वर्कआउट रूटीन क्या रहता है, डाइट रूटीन क्या रहता है, क्योंकि वो जो लोग पूछते हैं उनको पता है कि मैं कम्पीट करता था, दो बार मिस्टर जोधपुर भी रह चुका हूँ, और एक फ़िटनेस लाइफस्टाइल को काफ़ी शुरुआत से अपनी 11th क्लास से मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मैं शेयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो ऑडियंस नहीं है, क्यों वो वाला अगर मैं अपना ज्ञान देने पे आऊँगा तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा अभी यहाँ पे शेयर ना ही करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि भाई कॉम्पीट कैसे करते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कैसे करते हैं, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, तो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पर जाके कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करते हैं अपने फुल कॉन्फिडेंस से करिए, आपको लगता है ना कि आप अच्छा कर सकते हो तो बस फिर किसी की मत सुनो। क्योंकि जब मैं स्टेज पर जाता था
तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं सेकंड आऊँगा थर्ड आऊँगा, मेरा बस यही एम था कि अगर कोई अपना 100% देगा ठीक है, और अगर 101% दे रहा है तो थोड़ा बहुत मैं चांस दूंगा, वरना तो मैं एक कदम अपने से आगे तो नहीं रखूँगा, फाड़ दूंगा फिर तुम्हें। अगर आपको मेरे से आगे, अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और आप भी स्टेज पे खड़े हो ना, तो तुमको अपना 100% देना ही देना पड़ेगा, वरना मैं हिलने नहीं दूंगा, अपने से आगे तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। बस यही यही एटीट्यूड आपके अंदर चाहिए। अगर कोई चीज़ करनी है ना, तो इतनी शिद्दत से कर डालो, वरना हाथ मत डालो, बेकार है। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फिर जो एवरेज जो करते हो ना अपनी लाइफ में वो करते रहो। एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई मेरे को है ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, और कई लोगों ने कर भी दिया, तो फिर वो ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे ना क्या कहते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे, भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। फिर वो क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार के स्टंट जो जो शायद वो खुद करना भी नहीं चाहते हैं, उनको खुद को भी शायद करना पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इस कैटेगरी पे या इस जॉनर के अंदर या ऐसी कुछ छपरी हरकतें करके और आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता देता हूँ कि यूट्यूब पे जो व्यूज़ होते हैं ना भाई, वो किसी के सगे नहीं है। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो किसी का सगा नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और काम कर रहे हो ना, तो शिद्दत से करो, अपने दिल से करो, और जैसे तुम हो ना, जेन्युइन बंदे हो, जैसे भी हो, बस वो ही यहाँ पे दिखाओ, फेक करने की कोशिश मत करो। फिर अगर आप जेन्युइनिटी से यहाँ पे काम कर रहे हो ना, जेन्युइनिटी से जो आप हो वो ही यहाँ पे दिखा रहे हो ना, फिर तो घंटा तुम्हारा यूट्यूब का एल्गोरिदम ना कुछ बिगाड़ सकता। ठीक है, व्यूज़ कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, इट डजेंट मैटर, लोगों के दिल में जो तुम जगह बनाओगे ना, उस व्यूज़ से बहुत बड़ी होगी। तो बस मेरी यही राय है, बस इसी पे मैं चलता हूँ, और इसी पे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी चलो। जैसे हो, जो कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारा टैलेंट है, बस वो ही दिखाओ। दूसरों को देख के जो छपरी हरकतें करके कि भाई व्यूज आ जाएंगे, तो वो मत करो यार। तुम लोगों का भाई बहुत सही है, ठीक है, तुमको चीज़ों को फोड़ना भी है, तुमको साला चैंपियन भी बनना है, और फिर बातें ऐसी पूछते हो। एक बात बता देता हूँ तुमको, मैंने अपना माइंडसेट तुम लोगों के साथ में शेयर किया ना, उसके बाद मैं बता दूँ, जो असली जो चैंपियन होता है ना, वो ना तो कभी प्रेशर में आता है ना कभी स्ट्रेस में आता है। ठीक है, वो सिर्फ चीज़ों को फोड़ना जानता है, और अगर कोई चीज़ मुश्किल या फिर कोई जो ऑब्स्टेकल आ भी जाता है ना, तो हटाओ उसकी ऐसी की तैसी, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। ये ऐसी बातें नहीं करता कि भाई ऐसे नहीं हो रहा, भाई वैसे नहीं हो रहा, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, उसको ढूंढा करो। एक चैंपियन जो होता है वो कभी भी प्रेशर में और स्ट्रेस में नहीं आता है। दूसरी एक बात और शेयर कर लेता हूँ मैं तुम लोगों के साथ में, कि अभी जैसे मैंने अपना माइंडसेट तुम लोगों के साथ में शेयर करा, कई लोगों को बात बहुत अच्छी लगेगी कि भाई ने क्या बात बोली है। हो सकता है एक दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए आप इंस्पायर भी हो जाओगे, वो चीज़ में कुछ शिद्दत से करने लग जाओगे, लेकिन भाई मेरी बातों पर मत जाओ। ये सवाल मुझसे या किसी और से मत पूछो, अपने आप से पूछो, और जो अंदर से जो जवाब आएगा ना इस चीज़ के लिए कि भाई मुझे ये करना है, अगर उसके लिए कोई पॉजिटिव जवाब जवाब तुम्हारे अंदर से आ रहा है ना भाई, तो उस चीज़ को फॉलो करना, उसमें तुम पक्के से सक्सेस पा जाओगे। ना तो मेरी बात सुनने से तुमको कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना किसी कोई बहुत ही महान इंसान को, जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, किसी भी चीज़ में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सवाल किसी से भी पूछने से अच्छा अपने आप से पूछो, मेरी जो माइंडसेट है या जो मेरा जवाब है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुम मोटिवेट ज़रूर हो जाओगे, लेकिन वो मोटिवेशन तभी काम आएगा जब वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आएगा। ठीक है, तो ये इधर उधर की बातें छोड़ो, खुद से सवाल पूछना शुरू करो। भाई मैं चाहता हूँ मेरे ब्लॉग्स के थ्रू सिर्फ मज़ा मस्ती या फिर जब बाहर कहीं जाते हैं, फूड ब्लॉग्स ये वो, इसके अलावा अगर आप लोगों की लाइफ में, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं जो मेरे को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाऊँ ना, तो वो सब उन मज़ा मस्ती से ऊपर रहेगी चीज़। हो सकता है कि भाई काफ़ी लोगों को ये चीज़ बोरिंग लगती हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसका एक पर्पज़ है और पर्पज़ अच्छा है। तो इस तरह के ब्लॉग भाई जिसको पसंद हो वो देख सकता है, जिसको नहीं हो तो अगला ब्लॉग देख लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, इस ब्लॉग के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जो भी मैंने बातें बोली अगर इससे वाकिफ़ रखते हो या आपको सही लगती तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि फालतू का स्ट्रेस और फालतू का प्रेशर अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। चलो बाय।